लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को कोरोना बुलेटिन की रिपोर्ट में 96 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर प्रशासन लगातार लोगों को समझाइश देकर घरों में रहने की अपील कर रहा है। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के बाद भी दुकान खोलने वालों के खिलाफ पुलिस और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस को सुपरमार्केट में कुछ दुकानें खुली होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। सुपरमार्केट में सलीम टेलर और सदगुरु फैशन की दुकान खुली मिलने पर दोनों के संचालक के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। दुकान संचालक का कहना है कि ग्राहक को कपड़े देने थे, इसके चलते दुकान खोली थी। साथ ही नगर निगम की टीम ने दोनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की है। इधर भगत सिंह मार्ग पर किराने की दुकान खुली होने पर उसका भी चालान काटा गया। क्या है कि कुछ कस्टमर वगैरह का कुछ जरूरी कपड़ा मेरे को निकाल के घर पे सीना था और मैं कपड़ा निकालने के लिए दुकान खोली थी सर। मेरे को कुछ कपड़ा निकाल के देना था, जरूरी था थोड़ा सा, और वो उनकी शादी वगैरह की कुछ मजबूरी थी सर, इसलिए मुझे निकालना पड़ा। न्यूज ने व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी ने सूचना डाली थी कि सुपर मार्केट में कुछ दुकानें आज रात में चालू करके शटर बंद करके अंदर माल बेच रहे हैं। उस पर मैंने देखा तो तत्काल में पहुंचा, वहाँ दो दुकानें खुली पाएंगी, एक सदगुरु फैशन टेलर एंड बुटीक और एक सलीम टेलर, दोनों के बड़ी धारा 188 IPC की FIR की गई है।